मेरा नाम है गुलाम दस्तगी। मैंने किया है एनडी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग 1990 में। उसके बाद चला गया था मैं केडीए, फिर वहाँ से मैं चला गया था अमेरिका मिशिगन यूनिवर्सिटी डिट्रॉयट। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो है लाइफ आफ्टर डेथ। तो हमेशा याद रखें कि अल्लाह ने जितने भी लोग इस दुनिया में मरेंगे उसके बाद वो आखिरत में उठाए जाएंगे, ठीक है ना। अब कुछ लोग जो है ना वो हिंदू भी होते हैं, एथिस्ट भी होते हैं, अमेरिका में मुसलमान भी होते हैं और ईसाई भी होते हैं और यहूदी भी होते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो इतने अच्छे नमाज़ पढ़ रहे हो, रोज़ा रख रहे हो, हज कर रहे हो, ज़कात दे रहे हो, इतने काम कर रहे हो अल्लाह के लिए और आखिरत नहीं होगी तो क्या होगा, यानी कि सब का सारा काम तो आखिरत के लिए होता है ना। तो इसका जो बिल्कुल आसान सा जवाब है कि ये आखिरत तो होगी होगी। जो लोग ये कहते हैं ना कि अगर आखिरत नहीं हुई तो फिर क्या होगा, तो अल्लाह की लानत होगी उनके ऊपर और कुछ नहीं होगा। तो हमेशा याद रखें कि ये बात तो सोचने की नहीं है कि आखिरत नहीं होगी, ये बोलना तो बिल्कुल समझ लें कि आप इस्लाम से खारिज हैं। याद रखें आखिरत होगी और जिसने इसके बारे में ये सोचना भी कि आखिरत नहीं होगी ये भी बुराई है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ज़बान से बोल दिया कि आखिरत नहीं होगी तो आपका तो समझें इस बैंड बाजे बच गया। तो इसलिए ये हिंदू ख़ास तौर पे जो है ना वो मुसलमानों को बहकाते हैं कि तुम जो ना इतने इबादत कर रहे हो, रोज़े रख रहे हो, हज कर रहे हो, ज़कात दे रहे हो और आखिरत के लिए कर रहे हो ये सब कुछ, और अगर आखिरत नहीं हुई तो फिर क्या होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ हिंदुओं पे कि भाई तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत होगी और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये बातें करना जो है ना हरगिज़ जायज़ नहीं है और इसके बारे में सोचना भी जायज़ नहीं है। हमेशा आपने ये सोचना कि आखिरत होगी। अब मैं आपको बता दूं लाइफ आफ्टर डेथ जो है ना, आप बताते हैं ना आपको कैसे होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम जितने भी लोग इस दुनिया में मरेंगे वो मरने के बाद आखिरत में उठाए जाएंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि कैसे उठाए जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा इब्राहीम आपने मेरी बात पे यकीन नहीं किया जो मैंने आपको बताया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैंने आपकी बात पे यकीन किया और आपको बात को मैंने माना भी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये होगा कैसे, यानी कि आखिरत में मरने के बाद ये जो लोग हैं ये कैसे उठेंगे, होगा कैसे ये। तो अल्लाह ने कहा इब्राहीम चार परिंदे लो, उनकी बोटियाँ बनाओ और वो सामने जो पहाड़ी है उस पर जाकर उनको रख दो और फिर उनको पुकारो, उड़ते हुए चले आएंगे। तो इस तरीके से इंसान जो है अपनी कब्रों में से निकल के भागेंगे, जैसे परिंदे थे ना चार परिंदों की बोटियाँ बना के पहाड़ी पर के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो ये है आखिरत का निज़ाम और ये आखिरत में ये मरने के बाद कैसे उठेंगे कि एक चिंगाड़ की आवाज़ आएगी और सब अपनी कब्रों से निकल के भागेंगे और ये उस तरफ भागेंगे जिस तरफ से आवाज़ आई, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा बता दें आपको, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब एक बस्ती से गुज़रे तो उनके दिल में ये ख़्याल आया कि ये बस्ती को, यानी कि जो लोग मर जाते हैं तो अल्लाह उनको कैसे उठाएगा। तो अल्लाह ने क्या किया उनके साथ के उनको
सुला दिया, ठीक है, 100 साल तक वो सोते रहे, 100 साल के बाद उनको उठाया तो उनका गधा जो था उसकी हड्डियाँ 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 आ रह गई, गोश्त सारा ख़त्म हो गया था, खाल ख़त्म हो गई थी, हड्डियाँ बची थी, ठीक है ना। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम जब सो के उठे, जब उनका खाना जो रखा था वो भी वैसा का वैसा ही था, तो अल्लाह ने गधे को जो था उसकी हड्डियों पे गोश्त डाला, गोश्त उबा के खाल डाला, खाल डाली और उसके बाद उसको ज़िंदा कर दिया। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के बाद उठाया। तो इस तरीके से ये है कि ये असहाबे कैफ जो थे 309 साल तक सोते रहे, उसके बाद उठे। तो ये है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग जो है ना, ये शैतानी अमल होता है, शैतान के काम है इंसान को बहकाना। तो जो भी आप काम अच्छा करेंगे तो शैतान आपको बहकाएगा। तो मैंने हमेशा बताया आपको कि बहुत सारे लोग जो है नमाज़ पढ़ते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, तो अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पे जो नमाज़ पढ़ते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। हमेशा याद रखेंगे नमाज आप पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी नमाज जो है उसकी हिफाजत करें और सिर्फ अल्लाह की उसको पढ़ें। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़कात देते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, तो ज़कात जो है ना वो हमेशा छुपा के दें, ताकि और ये अल्लाह को अल्लाह को दी जाती है ज़कात, क्योंकि अल्लाह ने कहा ना जो माल हमने दिया आपको आप उस पर ज़कात दें, तो ज़कात भी आप अल्लाह को ही देते हैं। वो जाती तो गरीबों को है लेकिन टेक्निकली वो जाती है अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह ने कहा तो आप करते हैं, और हज करते हैं वो भी अल्लाह के लिए करते हैं, कोई दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करते, रोज़ा रखते हैं अल्लाह के लिए रखते हैं। तो ये सारी इबादत जो है ये अल्लाह के लिए होती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि शैतान के बहकावे से बचें। तो और शैतान जो है ना वो तो फिर इंसान की शक्ल में भी आ गया ना, हिंदू आ गया कि आप इतने अमल कर रहे हो आखिरत नहीं होगी तो क्या होगा, तुम्हारे पर लगी लानत होगी और क्या होगा। बस हम तो ऐसे ही कहते हैं, फिर सड़ के आवाज़ आती है इनकी कि अब इनको ये समझाओ कि ये इस टाइप की बात जो करता है उसको शैतान बहकाता है, तो वो ऐसी बातें करता है, तो वो भी इनको समझ में नहीं आएगा। तो लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि शैतान जो है वो इंसान को बहकाता है, तो उसके अंदर वसवसे भी डालता है। तो ये वसवसे और बहकाना जो है इससे इसको अवॉइड करना है, तो इसको इससे बचें, शैतान के वसवसे से और उसके बहकाने से बचें। तो इसलिए कोशिश करें कि नमाज पढ़ें, दुरूद शरीफ का वर्द करें, कुरान पढ़ें, नहीं पढ़ना आता सुने, नहीं समझ में आता तर्जुमा सुने और उस पर अमल करें। तो ये थी लाइफ आफ्टर डेथ। तो आखिरत जो है ना होगी होगी, और उसके अंदर कोई शक शुबा नहीं करें। और जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने दिखाया और उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी दिखाया, तो बताया दिखा दिया ना कि कैसे होगा। तो ये तो शक तो उस वक्त होता है जब आपको ये नहीं पता हो कि ये होगा कैसे। ये तो दोनों सूरतों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने करके दिखाया कि कैसे होगा, और उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने दिखाया कि ये कैसे होगा कि लोग मरने के बाद आखिरत में कैसे उठाए जाएंगे। तो दिखा दिया तो अब तो बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह ने दिखा दिया ना तो फिर किस बात का शक। तो आखिरत पूरा यकीन रखें, आखिरत होगी और कब्रों में से उठाया जाएगा और एक सिंगाड़ की आवाज़ आएगी और लोग उस तरफ भागेंगे जिस तरफ से आवाज़ आएगी। तो लाइफ आफ्टर डेथ इज़ ऑल अबाउट हमेशा
ये जो लोग कहते हैं ना कि साइंस साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च में के बहुत सारे लोग क्या हैं जो कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, तो ये कायनात खुद ब खुद बन गई है, तो कोई चीज़ खुद ब खुद नहीं बनती, ये कायनात अल्लाह ने बनाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने कहा मैंने बनाई है, ठीक है ना, मैंने कहा कौन और कायनात ये देख रहा है कौन, तो अल्लाह ने बनाई, ठीक है। फिर अल्लाह ने ये भी बताया कि अल्लाह ने कौन पे कौन से तो बनाई है, लेकिन फिर 6 दिन में इसके अंदर चीज़ें डाली हैं, तो ये भी बताया कि 6 दिन में पहाड़ डाले हैं, समंदर डाले हैं, और इसके अंदर आसमान बनाए, 7 आसमान बनाए, तो सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए, पता नहीं क्या क्या, दिन बनाया, रात बनाई है। तो इस तरीके से अल्लाह ने 6 दिन में बनाया, तो ये भी बताया कि मैंने कैसे बनाया, तो फिर भी शक नहीं करते हैं लोग, तो शक नहीं होना चाहिए, अल्लाह की कायनात है, अल्लाह ने बता दिया कैसे बनी है, और साइंस जो कहती है ना खुद ब खुद बनी है, तो वो भी सब बेकार की बात है। तो ये अल्लाह की कायनात है, अल्लाह ने बनाई है, और उसने ये भी बताया अल्लाह ने कि मैंने कैसे बनाई है, तो फिर शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो शैतान के वसवसे से और उसके बहकाने से बचें, और नमाज की पाबंदी करें, तो अल्लाह ने चाहे तो आपको शैतान का वसवसा और उसका बहकाना जो है, तो आपको गुमराह नहीं कर सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।